दुकानदारों को मुतला किया जाता है अपनी दुकानें 7 बजे तक बंद कर दें। जुमे को मुकम्मल मार्केट बंद रहेगी। मास्वाय सब्जी फ्रूट तंदूर दो दही की दुकानें मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। आदम टाउन की सूरत में अच्छे ज्यादा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई है। तेलंगाना इंतजामिया की जानिब से जारी करदा ऐलामिया के मुताबिक तमाम दुकानदार अपनी दुकानें शाम 7 बजे तक बंद कर दें, जबकि जुम्मे के रोज़ दुकानें मुकम्मल बंद रखी जाएं। खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐलामिया के मुताबिक दूध दही तंदूर मेडिकल स्टोर्स अस्पताल वगैरह हसब साबिक खुले रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की जानिब से तफसीली फैसला मिलने के बाद इंतजामिया ने बिदड़ वनहार में वाक़ हाजी मुनसब खान अलमारूफ फैसल मस्जिद को डी सील करके मस्जिद के तमाम अमूर मुतवल्ली फिदा हुसैन के हवाले कर दिए। मस्जिद खुलने के वक्त अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद करते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। इस तरह एक तवील अरसे बाद मस्जिद में मगरिब की नमाज बाजमात अदा की गई। नए चौधरी सालिक हुसैन और सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अमार यासिर की ग्रांट से मलकवाल मेन रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। मेन रोड की तामीर के लिए साबिक नाज़िम मलकवाल मलिक अरशद ने खसूसी कोशिशें की, जबकि हाजी उमर हबीब ने भी इस ज़मन में अपना भरपूर किरदार अदा किया। नौशहरा वादी सोन से मलक जायद फारूक आवान की रिपोर्ट के मुताबिक वादी सोन प्रेस क्लब नौशहरा के सहाफ़ियों की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा जिशान लबा मसीह ने वादी सोन के नवाई मौजा सोडी जवाली में अवामी शाप पर छापा मारा। शाप पर यूटिलिटी स्टोर का मनपसंद घी बरामद कर लिया गया। यूटिलिटी स्टोर पर 170 रुपये किलो मनपसंद घी, जबकि अवामी शाप सोडी जवाली में 210 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकान को सील कर दिया और दुकानदार के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा रही है।